क्या तुमने कभी बुरी या घटिया फिल्म देखी है? डोंट वरी, मैं आदि पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। आदि पुरुष देखने के बाद कंगना रनावत ने बोला, व्हाई शुड बॉयज हैव फन? तो इसीलिए ओटीटी पर एक फिल्म रिलीज की, टिंकू विद शेरू। तो आओ देखते हैं क्या फिल्म सच में इतनी घटिया है। शेरू एक जूनियर आर्टिस्ट है और जिसका साइड में काम चलता है, प्रोस्टिट्यूट को सप्लाई करता है बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और पॉलिटिशियंस को, ये प्रोस्टिट्यूट सप्लाई करता है और बंदे की जिंदगी पूरी वाट लगी है और इसको अपनी एक फिल्म किसी तरह फाइनेंस करा करके रिलीज कराना है। और कुछ दिनों बाद इनको ऑफर आता है शादी का, वो भी टिंकू से। अब इनकी शादी टिंकू से हो जाती है, लेकिन इनको टिंकू के बारे में नहीं पता। टिंकू का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उनसे मिलने जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रॉमिस किया है कि उसे उसको वो ब्रेक देगा किसी भी तरह बॉलीवुड में। और ये बात पता चल जाती है हमारे यानी के शेरू को, और हमारे शेरू साहब बहुत गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, लेकिन क्या करें, प्यार अंधा होता है। लेकिन अब दोनों साथ मिलकर के रह रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन अपने शेरू भाई के साथ हो जाती है ट्रेजेडी और ये फंस जाते हैं जेल में एंड इनकी बीवी जाती है फिल्म लाइन में फिल्म मांगने के लिए और इन्हें फिल्म के बहाने से इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड शी बिकम प्रोस्टिट्यूट लाइक दैट। वो भी उसी धंधे में उधर आती है और एंड में हमको ये देखने को मिलता है कि उनकी बीवी प्रोस्टिट्यूट बन जाती है एंड उसको मिल जाती है बड़ी सी डील और उसमें आइटम सॉन्ग करती है एंड ये भाई साहब जेल से बच जाते हैं और ये आते हैं लड़की का रूप लेकर के अपनी बीवी को बचाने के लिए। एंड फिल्म का दी एंड 18 नंबर 1 स्टोरी इस फिल्म का सबसे खराब और घटिया प्लॉट है। मतलब जब स्टोरी में दम ही नहीं था तो फिर तुमने क्यों बनाया? ऐसे भी कंगना की धाकड़ देखने के बाद हम लोग का दिमाग एटलीस्ट ब्लास्ट हो ही गया था, फिर तुमने इस पर क्यों काम किया? कंगना ने सिर्फ सोचा स्क्रिप्ट अच्छी है सब अच्छी है, अब किसी को डायरेक्शन के द्वारा दे करके लगा दी। अब इनको ऐसी फिल्म बनाएंगे इनको अपना प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका बंद करना पड़ सकता है। तो बहुत ही घटिया स्टोरी लाइन है इसकी। नेगेटिव नंबर 2, नवाज एंड अवनीत कौर की एक्टिंग। बदलापुर में एक्टिंग करने वाले लोग सोच सकते हो, बदलापुर जैसी फिल्म में एक्टिंग करने वाला बंदा अब इस फिल्म में इतनी घटिया लेवल की फिल्म बना रहा है, सोच सकते हो। एंड अवनीत कौर भाई, इंस्टाग्राम रील तक ही आपकी छवि है तो आप उसके आगे तक जाने की आपको जरूरत थी ही नहीं, लेकिन इनके पास पैसा था, प्रोड्यूसर के पास, तो फेंकते गए। मेरा ओपिनियन, इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं ऑनेस्ट बोलूंगा, इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। इससे अच्छा आप जाकर के जियो सिनेमा के फ्री के कोई भी शोज देख लो यार, जाकर के देखो, लेकिन इसे मत देखो, दिस इज नॉट वर्थ इट टू वॉच। अगर हाँ इस वीडियो से तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना एंड डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कुछ आने वाले मूवी रिव्यूज, तो उसको भी देख लो।